दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं तो आपने लिमिट अकाउंट के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स लिमिट अकाउंट का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को रन करते हैं। क्या है ये लिमिट और किस तरीके का अकाउंट होता है, ये किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप भी भविष्य में अगर लिमिट कराना चाहें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसी कई बार नौबत आती है कि धंधे में पैसे की कमी का सामना लोगों को करना पड़ता है। अगर आप आर्थिक मंदी ले लें या ऐसे सिचुएशंस के लिए अगर आप बात करें जिसमें कि पैसे का रोटेशन कम हो जाता है, तो ऐसे केस में लोगों को लोन की आवश्यकता होती है। लिमिट असल में है एक तरह का लोन ही, लेकिन लोन आपको एक बार मिलता है और आप उसको चुकाते हैं किस्तों में और वो खत्म हो जाता है। लेकिन लिमिट जो है ये कंटिन्यू आपकी साल दर साल चलती रहती है। लिमिट में होता क्या है, लिमिट में ये होता है, मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट बैंक ने बनाई, तो आप किसी भी टाइम उस अकाउंट से, यानी लिमिट वाले अकाउंट से, 5 लाख या उससे कम जो भी रकम है आप किसी अदर कंपनी में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो RTGS कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास उसी लिमिट के पैसे का इस्तेमाल करने के बाद आपका माल आ जाएगा। माल बेच करके आप उस लिमिट का जो आपने भाग खर्च किया है, या आप उस लिमिट के अकाउंट में दोबारा जमा करा दें, तो आपको जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ उतने दिनों का लगेगा जितने दिन आपने लिमिट का वो पैसा इस्तेमाल किया है। अन्यथा अगर आप 5 लाख की लिमिट और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं है, किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने उससे कुछ भाग निकाल करके अपना मटेरियल मंगवा लिया और उसको पेमेंट कर दिया पार्टी को, तो जब तक आप उस रकम को जिस जो आपने निकाली RTGS की है, वो रकम जब तक आप वापस करोगे बैंक में, वो जितने भी दिन या जितने भी महीने का टाइम होगा उसके हिसाब से ब्याज आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अब दोस्तों, बात ये आती है कि लिमिट का अकाउंट खोले कैसे। दोस्तों, लोन के बारे में तो आप जानते हैं कि आप अपने बैंक में जाते हैं, अपने नेक इरादे बताते हैं, तो उसके बाद क्या है, आप लोन की अर्जी करते हैं। डिपेंड करता है कि बैंक आपको लोन देता है या उस आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर देता है। लेकिन लिमिट जो है वो ज्यादातर व्यापारी वर्ग यूज करते हैं। लिमिट कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके नाम पे लिमिट नहीं होती, लिमिट होती है किसी फर्म के लिए, किसी प्रोप्राइटर के लिए। अब क्या करना होता है, तो सबसे पहली चीज तो आपका एक अकाउंट होना चाहिए किसी भी PSU बैंक या प्राइवेट बैंक में। उसके बाद लगभग 6 महीने तक आपका टर्नओवर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जब आपका 6 महीने में टर्नओवर भी अच्छा खासा होगा, तो बैंक को ये विश्वास हो जाएगा कि इसको लिमिट का अकाउंट दिया जा सकता है, पैसा डूबेगा नहीं। तो क्या होता है कि आप बैंक से बात करते हैं कि लिमिट मुझे कराना है, तो आपसे कहा जाता है कि आप एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनवा कर लाइए, यानी जो ईयर चल रहा है उसका ITR वहां लगाना पड़ेगा विद कंप्यूटेशन। उसके अलावा आपको CA से 1 साल की एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड रिपोर्ट 2 साल की आपको बनवानी पड़ेगी। ये सारी चीजें करके और अपने जो भी GST के रिटर्न है 6 महीने के टर्नओवर को शो करने वाले, वो सारे रिटर्न के प्रिंट आउट, आपकी एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड रिपोर्ट का प्रिंट आउट, आपके ITR और कंप्यूटेशन का प्रिंट आउट, ये सब इकट्ठा करके एक फाइल बना ली जाती है। उस फाइल को ले जाकर बैंक में सबमिट किया जाता है। बैंक उसे ओवरव्यू करता है, पूरा उसका रिव्यू करता है, और रिव्यू करने बाद अगर उसे लगता है कि हाँ इनको लिमिट दिया जा सकता है, तो वो अपने हेड ऑफिस में कॉन्टेक्ट करता है, फाइल आपकी ट्रांसफर होती है। वहां से अप्रूवल जो आता है वो मेन अप्रूवल होता है। अगर वहां से आपका अप्रूवल आ गया, तो फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी लिमिट हो गई। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 लाख लिमिट अप्लाई की है तो 10 लाख ही मिले। बैंक को आपके टर्नओवर से, आपके बैंक स्टेटमेंट से देखने के बाद अगर उनको लगता है कि आपको लिमिट कम देनी चाहिए, तो वो 3 लाख 5 लाख तक भी दे सकते हैं। तो आपको अगर लिमिट कराना है, तो आपको सबसे पहले कुछ काम ये करने होंगे। पहली चीज तो आप हर माल अपना पक्के बिल पे मंगाइए, यानी कि टर्नओवर में जिसे काउंट किया जा सके, ठीक है। दूसरी चीज, आप प्रोजेक्टेड और एस्टिमेटेड रिपोर्ट 3 साल की आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए लेटेस्ट 6 मंथ का। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कागज कुछ बैंक मांगते हैं, वो अलग अलग हो सकता है, वो आपसे बताएंगे, तो आप उस हिसाब से
और इसके अलावा आप जो जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं उस जीएसटी रिटर्न के पिछले 6 महीनों के GSTR 3B यानी जो कंसोलिडेटेड रिटर्न जाते थे उसकी कॉपी आपको ये पूरी फाइल बना करके लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। आज मैंने आपसे बताया है कि लिमिट क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस तरीके से ये लोन से हटकर है और किस तरीके से व्यापारियों के फेवर की चीज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा आपको, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।